अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और पिछले जो हमने लेक्चर दिए हैं, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और उनको अपने तौर पे करके भी देखा हो। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर की जो एक खास बात जो है, इसमें एक बहुत ही अहम फार्मूला आपको बताया जाएगा स्केल फाइंड आउट करने के। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, एंड पे वो मैं फार्मूला बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, 5 और 6 रहता था। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज है 1, 2, 3। इसका नेगेटिव ए मीन हमने माइनस ए फाइंड आउट करना है। माइनस ए का मतलब क्या है कि आपने अंदर वाली सारी एंट्रीज के साथ उसका साइन चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ए है 1, 0, -1। आपने इसका नेगेटिव निकालना है, आपने कुछ भी नहीं करना। जो माइनस प्लस है उसको माइनस करते हैं, जीरो के साथ कोई साइन की जरूरत नहीं। ये माइनस है, ये प्लस हो गए, ये है माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 4 इसके पार्ट्स इसी तरह हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा ही अहम टॉपिक है, ध्यान से देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। अब पीछे हम रोज और कॉलम, ये बड़ी तफसील से बात हमारी हुई थी। फर्ज करें इसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि चेंजिंग रोज इन टू कॉलम और कॉलम इन टू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज है 3, -4, 5। अब देखें कि इसमें हमारे पास ए की कॉलम है और तीन रोज है। अब हम इसको जब हम इसका ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर छोटा टी डाल दें, ए ट्रांसपोज क्या है कि इसका जो कॉलम है उसको आप रो बना लें। और एक एग्जांपल देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1, -2, 3, 4। आपने इसका बी ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालते हुए बात ध्यान में रखें कि आपने साइन को कुछ नहीं कहना। आपने जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दें। ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। साइन को दोबारा फिर देख लें कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट जो है वो उसने एफ दिया हुआ है जिसमें ट्रांसपोज निकालना है, उसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4। आपने एफ ट्रांसपोज निकालना है। एफ ट्रांसपोज मीन कि आप फर्स्ट रो 1, 2 इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है 6 एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन ये है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 0, 1। हमने वेरीफाई ये करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसको हम ले लेते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले ब्रैकेट के अंदर आता है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मीन कि हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी पहली रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, यानी ए ट्रांसपोज। अब इसका फिर हमने ट्रांसपोज लेना है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने डबल ट्रांसपोज लेना है। इसको आप देखें कि रो जो है वो कॉलम बन गई, अगली रो कॉलम बन गई, ये हमारे पास ए आ गया। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया, वो ए आ गया और हमारी यही राइट हैंड साइड थी और ये हमें यही प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.2 में हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हमने प्रूफ किया। इसके साथ साथ पिछली जो वीडियो थी आपने देखी होगी, उसमें इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था जो हमने अप्लाई की थी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आज की बड़ी ही अहम बात जो हमने फार्मूला पढ़ना है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बड़ा ही अहम फार्मूला स्केल फार्मूला।
बड़ा ही आम। और साथ साथ ये मैं बताता चलूं कि आज की वीडियो भी शमून साहब जो हैं ये वीडियो बना रहे हैं, सर शुएब साहब और सर नईम शाह साहब वो खसूसी गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं, इन तीनों साहब का मैं बड़ा ही मशगूल हूँ कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से आज स्पेशली ये मेरे लिए आए हैं। आप आज स्टेयर था तो आप लोग जानते हैं कि वन का जब आप स्टेयर लेते हैं सिंपल सा है, ये है कि वन। इसके बाद हम आते हैं अलेवन का स्केयर, गौर से देखना है। अलेवन का स्केयर आप देखें इसमें कितने डिजिट हैं, वन टू, हाँ लिखते हैं वन टू, फिर रिवर्स स्केयर लगाते हैं फिर वन आ। अब हम आते हैं तीन दफा एक, यानी 111 का स्केयर, कितने तीन है, वन टू थ्री, थ्री से रिवर्स स्केयर टू वन। अब हम चार एक एक का स्केयर देते हैं, ये आ जाएगा जी चार एक एक है तो चार कर देते हैं, इसमें वन टू थ्री फोर, फिर रिवर्स फोर के बाद थ्री टू वन, फिर हम पांच एक एक लेते हैं तीन चार पांच। इसी तरह आप पांच एक एक का स्केयर जब आप पांच अपने लिख लें वन टू थ्री फोर फाइव, फिर आप वापस चले फाइव फोर थ्री टू वन। अब आप छः एक एक ले लें तीन चार पाँच छः, जब छः एक ले लें गिनती लिखी छः तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब आप सेवन एक एक ले लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एक एक है गिनती लिखे सेवन तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, रिवर्स ऑर्डर में चलें सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब आप एट एक एक ले लें फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, रिवर्स ऑर्डर सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब आप नौ एक एक ले लें, फार्मूला हमारा कंप्लीट होने वाला है तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, देखिए नौ एक एक नौ तक गिनती लिखी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, रिवर्स ऑर्डर में एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह का और ट्रिक आपको बताया जाएगा, ये फार्मूला आपको जिंदगी में काम आएगा, इसको आप देख लें। और हमारी एक्सरसाइज 1.2 तक हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ न्यू फार्मूले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।